हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए, आपको पता होगा ये रिसेंटली यूएस में ऑलमोस्ट 450 मिलियन का जो F-16 का जो फ्लीट था ना पाकिस्तान में, वो अप्रूव कर दिया है। मतलब F-16 जो फ्लीट था पाकिस्तान में, उसको आप थोड़ा अपग्रेड करने के लिए 450 मिलियन पैसा अप्रूव किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, इंडिया में थोड़ा क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बाद देखेंगे रीजियन में क्या इम्पैक्ट होगा। आपको पता है पाकिस्तान में अभी भी फ्लड चल रहा है, तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है, और ये पैसा सच में क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इन्वेस्ट होगा या कहीं और पे जाएगा, हम ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये जो रिसेंट सेल हुआ है ना, इसका थोड़ा इनर मीनिंग देख लेते हैं। ये देखिए, यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पे आप जब थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पाकिस्तान के पास टोटल 85 F-16 है, और ये जो F-16 का जो रिसेंट सेल हुआ है ना 450 मिलियन का, तो ये है आप यहाँ पे क्लियरली डज नॉट इंक्लूड एनी न्यू कैपेबिलिटीज, मतलब कोई न्यू कैपेबिलिटीज ऐड नहीं होगा, न्यू वेपन नहीं हो ऐड होगा, म्यूटेशंस मतलब होता है वो एनिमेशंस कुछ, और मान लीजिए आपको कुछ रडार अपग्रेड ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट विल नॉट ऑल्टर एनी मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन। तो आपको इससे क्लियरली पता चल जाएगा ये जो F-16 का अपग्रेड है ना, ये इंडिया की तरफ नहीं है, मतलब ये जो पाकिस्तान ये जो अपग्रेड कर रहा है, और ये अपग्रेड करके जो इशू मतलब यूज करेगा ना, वो आपका होगा अफगानिस्तान की तरफ, मतलब वेस्टर्न साइड पे, इंडिया के साइड पे ये नहीं होगा, ये क्लियर है, ये
जो यूएसए का जो साउथ एशियन रीजन का हेड चीफ है ना, उनका भी एक ट्वीट आया था जहां से उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दिया था कि ये जो अपग्रेड है तो ये एक्चुअली उनका जो करंट जो फ्लीट है ना वो फ्लीट पूरा बैठ गया है, मतलब उनका कुछ अपग्रेड नहीं आया। आपको पता होगा 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया था कि सस्पेंड कर देते, जिसके वजह से पूरा जो फ्लीट है ना वो पूरा बैठ गया है। उसको थोड़ा मतलब चलाने के लिए ये सेल किया गया है। उसके बाद आपको जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि 2018 में ट्रंप ने ये सस्पेंड कर दिया, और ये सस्पेंशन उन्होंने 2018 में नहीं किया था, इवन बैराक ओबामा के टाइम के आपको याद होगा 2011 और 2016 में भी बैराक ओबामा पाकिस्तान का ये जो अपग्रेडेशन है ना इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियरली बोल दिया था कि देखिए यूनाइटेड स्टेट हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन 30, मतलब एक्चुअली मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 33 बिलियन दिया है, लेकिन उस 33 बिलियन के बदले में पाकिस्तान ने यूएसए को सिर्फ झूठ बेचा है। ये उन्होंने ये जो लाइज एंड डिस यही एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है एक्चुअली ये एक्यूजेशन है, दे हैव गिवन सेफ हेवन टू टेररिस्ट वी हंट इन अफगानिस्तान। आपको पता होगा ये ओसामा बिन लादेन इवन पाकिस्तान में था अबाउट ये बात में, तो पाकिस्तान एक्चुअली यूएसए से पैसा लेता है, और मान लीजिए यूएसए के अगेंस्ट में किसी को टेररिस्ट को सपोर्ट करना है, वो इवन आपको पता होगा इंडिया इंडिया के अगेंस्ट में जितना भी टेररिस्ट अटैक हुआ है ना तो सब पाकिस्तान में रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या कहीं जगह पे झूठ लिखा हुआ, ऐसा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन में है ये चीज़ अप्रूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा जब नीचे जाएंगे ना, ये तो उन्होंने बोला था कि मान लीजिए उनका F-16 का फ्लीट जो बैठ गया है उसको अपग्रेड आप नहीं करेंगे, तो वो लोग ने अभी क्या किया है, ये जो चाइना का J-17 है ना, JF-17, ये इन्होंने वो अभी अपना जो फ्लीट है उस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। ये लोग थोड़ा बहुत यूज ही करता है। और एक चीज आपको मतलब आपको बोलूंगा कि रिसेंटली जब हम लोगों का ये जो बालाकोट में अटैक हुआ था ना, ये 2019 में जब इंडिया ने ये रिस्पॉन्ड किया था, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर में कुछ जो जवान है उनको मार दिया था, तो उसके बदले में इंडिया जब उन्होंने अटैक किया था ना तो पाकिस्तान में भी रिस्पॉन्ड किया था, और उसके बदले में पाकिस्तान उस टाइम पे F-16 यूज़ किया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया। इवन यूएसए ने भी उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन यूएसए ने बाद में वो चिट्ठी लिख दिया था। लेकिन मतलब मान लीजिए पाकिस्तान कुछ यूज करेगा ना F-16, तो यूएसए का पास उतना अथॉरिटी नहीं होता है कि वो रोक सके। और लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि इंडिया का, देखिए अब यूएस और इंडिया तो एकदम पार्टनर है, ठीक है, तो अभी मान लीजिए यूएसए का जो कोई भी एयरक्राफ्ट, सॉरी आप बोल लीजिए ये जो प्लेन होता है F-16, आप इंडिया के अगेंस्ट पे अभी करंट सिचुएशन पे यूज नहीं कर सकते। अभी देख लेते कि पाकिस्तान के पास, आपको तो पता होगा ये देखिए एक आर्टिकल है जहाँ पे क्लियरली, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है जहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है ना वो 10 बिलियन से भी कम है। तो ये जो रिसेंटली 450 मिलियन का जो पैसा है ये पाकिस्तान कैसे यूएसए को पे करेगा, वो पे करेगा यहाँ से। ये जो रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान मतलब IMF ने पाकिस्तान को 1.17 बिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया था, तो ये जो 1.17 मिलियन पैकेज में से 450 मिलियन, मान लीजिए ऑलमोस्ट आधा पैसा अगेन वो यूएसए जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, जो उनका जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वहां पे जा रहा है। अब ये चीज एक्चुअली देखिए IMF के कौन कंट्रोल करता है, वो यूएसए करता है। मतलब फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि IMF से पैसा पाकिस्तान दिया, और पाकिस्तान से अगेन जो ऑलमोस्ट 50% पैसा है वो यूएसए में चला गया। तो यूएसए ये करता क्यों है, देखिए इसका कुछ एक्विजिशन है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो पाकिस्तान में रिसेंटली आपको पता होगा कि फ्लड आने वाला है, और जिसके कारण ऑलमोस्ट देखिए 1/3 उनका जो
कंट्री है ना वो एकदम मतलब पानी में बह गया है, और इसके वजह से ऑलमोस्ट 18 बिलियन का लॉस हुआ है उन लोगों को। लेकिन यूएसए तो ये फिर ये आपको पता होगा ये ऑलमोस्ट चाइनीज लोन की तरह है, या आपको पता होगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना ब्रिटेन का, तो वो ये पैटर्न यूएसए क्यों यूज करता है, क्योंकि आपको पता है यूएसए पाकिस्तान को उतना ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए इनका देखिए मान लीजिए यूएसए कुछ भी पैसा पाकिस्तान में देता है ना, तो पाकिस्तान क्या करता है वो पैसा लेके चला जाता है दुबई में। ये आपको पता होगा ऑलमोस्ट 85 बिलियन रुपीज का दुबई का जो प्रॉपर्टी है ना वो पाकिस्तानियों के नाम पे है। तो मतलब पाकिस्तान क्या करता है वो पैसा को साइफन ऑफ कर देता है। और आपको पता होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग ये सब काम भी पाकिस्तान करता है। इवन आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूएसए ने पाकिस्तान को ये टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग में एक्यूज किया था, तो उसके लिए बहुत सारा उनका जो पैकेज था ना वो भी सस्पेंड कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला है, इवन आप उनका जो डॉलर टू पीकेआर देखेंगे ना मतलब 1 डॉलर ऑलमोस्ट 2.9 मतलब फ्री फॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो रिसेंटली उन्होंने जो यूएस ने ये जो 450 मिलियन का जो पैकेज F-16 के लिए अप्रूव कर दिया है, तो उसके बाद देखिए प्रॉब्लम होगा इधर तालिबान ने तो पूरा डायरेक्टली पाकिस्तान को बोल दिया था कि पाकिस्तान यूएसए ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है ना वो यूज करता है और यूज करके तालिबान के ऊपर अटैक करता है। तो रीजन में ईस्टर्न बॉर्डर में तो देखिए प्रॉब्लम उतना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये अफगानिस्तान में जो तालिबान का गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान को उतना ट्रस्ट करता नहीं है और प्रॉब्लम वहाँ पे ही है। फ्रेंड्स आपसे विदा लेने का समय आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।